हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 6 अप्रैल और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। तो यहाँ पे पीछे ओलिवर बैठा हुआ है, आज इसको नहलाया नहीं मैंने, तो थोड़ा सा ना नाराज सा, अभी तो नहीं हो रहा लेकिन हो रहा था साइड सा जब मैंने नहा के बाहर आया तो बाथरूम के बाहर बैठा हुआ था, सोच रहा होगा आज भूल गया मेरे को। और हमारे कैस्पर बाबा तो कब तक खत्म होगा चैलेंज, ये ऐसे कैमरे पर अटैक कर रहा है ना चुपके से। रोटी खा गया है? कहाँ गई रोटी, कहाँ गई, दिखा 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 कहाँ, अगर कहीं रखी हुई दिख गई तो फिर पिटा। ला रोटी, ला रोटी, ला कहाँ है, ला उसको, ला ला, ये कैसे रख दी तूने यहाँ पे, ला इसको, क्यों रख दी इसको, खा, ला मेरे को दे, 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 ला मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे, मैं खा रहा हूँ, पापड़ ही बन रखी है। खुश हो रही कैस्पर की टी शर्ट पहन के, क्या है मिया 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 भाई, कौन सा, अरे वो हैदराबादी सॉन्ग नहीं है मिया, हाँ हाँ मिया मिया भाई सीख रखे। चल बहुत हो गया, चल रहने दे, चल रहने दे, चल रहने दे, ओलू रहने दे, कोको भी आगे देखते हो घेर के मारेंगे, इधर से कोको कैस्पर और यहाँ से चीकू। तो अभी नहा के मैं भी हो गई हूँ फ्री और नित्या को भी नहला दिया था, वो अभी सो गई है, तो अब मैं बैठती हूँ एडिटिंग में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये मैंने कैमरा जस्ट केस से बाहर निकाला और ओलिवर सोया हुआ था गेट के पास, वो खड़ा हो गया और ये देखो अब वो कुछ लाने के चक्कर में है क्योंकि खाली वो व्लॉग में नहीं आ सकता। तो मैं रात में 1 बजे तक तो वीडियो एडिट कर रही थी, उसके बाद भी मैंने सोचा था, मैंने सोचा कि पूरी रात बैठ के ना मैं वीडियो एडिट कर लूंगी, लेकिन ना नित्या उठ गई थी, मैं चेयर के पीछे पता है छुप भी गई थी ऐसे, तो नित्या बहुत चला के वो स्क्रीन देखने लग गई और ना फिर अपने आप बोलने लग गई थी, अपना बातें करने लग गई थी, मुझे पता चल गया था अभी उठ गई है, इसको सुलाई देती हूँ, उसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ गई, नहीं तो मैंने प्रण लिया था मैं पूरी रात लग के वीडियो एडिट करूंगी और इनको सरप्राइज करूंगी कि वीडियो एडिट हो गई, लेकिन मेरी किस्मत में सरप्राइज देना ही कहाँ, आज हो जाएगी, हाँ आज हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, पोस्ट भी डाल देना कल वीडियो, हाँ अभी डाल दो। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही थी और पीछे से मुझे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी जो है मेरी ब्यूटीफुल सी गर्ल की, कितनी प्यारी आवाज थी आज मैंने इसके, देखो तुमने एक चीज नोटिस की, जो मैंने इसके काजल लगाए यहाँ पे दिल बना रखा है ऐसे ऐसे हाथों को वही यही करने में, और इतनी प्यारी डोनल लग जाती आवाज निकालने में, कितना अच्छा लग रहा है हाथों को, पारा अच्छा लग रहा है, ललकी जैसा रोज लड़का जैसा दिखता है, हर लड़की लग रहे हो, कैसा सा है अभी तक सोया, अभी तक सोया ऑलिवर को इग्नोर कर देते हैं ना, अबे तू चढ़ क्यों नहीं पाता, पता नहीं 1 साल 4 महीने 4-5 महीने का हो गया ये चढ़ ही नहीं पाता है बेड में, चढ़ जा ऊपर चढ़, ये देखो अरे इसको उठा उठा उठा, हाँ लगा 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 जोर लगा, खींचो उसे, तुम धक्का दे रहे हो यार उसे, चढ़ 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 अब चढ़ के चढ़ गुड बॉय, इधर आ जा, पूछ मत मारियो उसकी तरफ, पूछ मत, लेट जा, ऐसे लेट जा, करंट मार रहा है तुझको, तुम्हें कैसे देख रही है, देखना तुम्हें देख रही थी इतनी प्यार से, देखो करना मुंह आगे करना, पापा पापा किसके पापा है। तो ये जो वीडियो है मैंने ये एडिट कर दिया है, ये बीच बीच के पार्ट ये सब एडिट कर दिए हैं, ये सब कर दिया, बस मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, तो पहले मैं जो बोले वाले पार्ट है ना वो एडिट कर रही हूँ और उसके बाद जो बीच बीच के गट है फिर वो बाद में करूंगी। मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मुझे बहुत ही भूख लग गई है, तो खाना भी बन रहा है, बन क्या रहा है, दाल बनी हुई है, चावल बनाने, बस चावल रखे हुए हैं, तो भी खा रहा हूँ मैं खाना, वितु ने खा लिया है, अब जाके नित्या की भी बारी है खाना खाने की, क्योंकि नित्या को बहुत भूख लग गई थी। और अभी ऋतु के फोन में एक मैसेज आया UPS से, यानी कि जहाँ से हमारा सिल्वर प्ले बटन आएगा, क्या आया था मैसेज, तो मैसेज आया था कि ट्रैकिंग नंबर दिया था और वो पहले ही आ चुका था मेल में, तो मैंने रितु से बोला कि अभी ऑन द वे, तो रितु कह रही 2-4 दिन में आ जाएगा, मैंने कहा 2-4 दिन अभी लगेगा, 10-15 दिन, क्योंकि बाहर से आता है, क्योंकि रितु कह रही बाहर से आता है, मुझे तो लगा यही इंडिया से ही आता होगा करके, वो वहीं से बन के आता है, तो रितु को लगा कि हाँ ये चांदनी चौक में चांदी का काम काफी होता है ना, तो वहां से बनता होगा, रितु कैसा लग रहा था सिल्वर प्ले बटन, मुझे लगा यहीं पे प्रिंट इंडिया वालों को यही होता होगा, कहीं क्या करना है उनको, अरे क्या वहाँ बाहर से क्या कुछ अलग लिख देंगे क्या, वही तो छापना होता मशीन में और क्या, हाँ लेकिन इतना ऐसी मशीन उनके पास नहीं होगी ना, यहाँ पूरा इंडिया के लिए हर कंट्री में सेटअप थोड़ा कर देंगे वो, हाँ तो ठीक है ना, मुझे नहीं पता था यही चांदनी चौक से आएगा। तो ओलू खा रहा है यहाँ से अपना खाना चुपचाप, बहुत देर से बेचारे को भूख लगी थी, और हम लोग अभी पी रहे हैं यहाँ पे लस्सी, गर्मी का टाइम है कुछ ना कुछ पीने का मन करता है, तो सोचे कि लस्सी बना, मतलब हम लोग आजकल ज्यादा लस्सी पी लेते हैं, वरना पहले पिछले भी नहीं बहुत पहले की बात है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक कितना पीते थे ना, अभी तो छोड़ दिया, अवॉइड कर रहे हैं, पसंद भी नहीं आती। तो अभी कैचू बाबा को थोड़ा सा दही देता हूँ इधर ही, थोड़ा सा साफ करके है ना, हाथ में कब तक खिलाते रहूंगा, चैलेंज पता नहीं यार, ये वीडियो बार बार फॉर एवर कर दिया इसने, वो बस ओलिवर ना आए ऐसे टाइम पे, ओलिवर हमेशा ना पीछे खड़े रहता है,
कि अब देंगे मेरे को भी, मन नहीं भरता उसका, कितना भी कुछ खिला दो उसको। तो एक पैकेट दही था, हमने भी लस्सी पी ली, ओलिवर ने भी दही खा ली थोड़ी सी, कैस्पर ने भी खा ली। ओलिवर कह रहा मेरे लिए कंट्री डिलाइट वाला वो ला दो नारियल, उसमें पूरा डेढ़ गिलास नारियल पानी निकलता है इसमें ऐड, देखा है ना। ऐसी ऐसी बातें करता है, इसको नारियल पसंद भी बहुत है ना। वो यूपीएस वालों का जो मैसेज आया था ना, उसमें अपलोड करना था हमें केवाईसी के लिए, तो हमने पहले मैसेज में मैंने इतना गौर नहीं किया, बाद में मैंने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करो, क्योंकि कस्टम में फिर पड़ा रहता है ना उस चक्कर में। और सोचो कि हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वैसे ही उसमें इतनी सारी दिक्कतें हो रही, पहले तो 100 के होने में बरस लग गए, एक पूजा करवानी पड़ेगी। पहले 100 के होने में बरस लग गए, उसके बाद 100 के होने में नहीं 80 से 100 के तक ना, उसके बाद सिल्वर प्ले बटन में इतनी दिक्कतें हो गई। अब फाइनली आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर ही अटक जाए वहां पे, फिर पता चला कि सिल्वर प्ले बटन के चक्कर में हमको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ रहा है वहाँ पे। वैसे अगर ये सिल्वर प्ले बटन अगर बाय करते हैं ना, हाँ, तो 300-400 डॉलर का आता है, इतना महंगा, $350 ऐसा मैंने कुछ देखा था। हाँ नहीं, जैसे कई सारे लोग टीम मेंबर्स होते हैं तो बाय कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के लिए, इतना महंगा। चीकू कौन सा सपना देख रहे है, चीकू कौन सा सपना देख रहा है? तो आजकल जब से हमने Q&A किया था, तो पहले तो Q&A सबको बहुत पसंद आया था, उसके बाद से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी IPL में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मैं इस बार IPL देख नहीं रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी नहीं देखा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, फिर एक बार देखना स्टार्ट कर लिया तो फिर पूरे देखने का मन करता है, तो इस बार देख ही नहीं रहा हूँ मैं। तो इसको ओलिवर को मत दिखाओ, ओलिवर को मत दिखाओ, ओलिवर को मत दिखाओ, उधर जाओ, यहाँ से निकला हमारे घर से, क्या कर रही है तुम? तो अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और ये सारी हमारी व्लॉग की फाइल्स हैं जो कॉपी करनी है, साउंड एडिट करनी है, कलर करना है, करेक्शन वगैरह, और उसके बाद फिर मेरा काम हो जाएगा यहाँ से खत्म। इतना ही काम करता हूँ मैं एडिटिंग के नाम पर। कितने प्यार से बैठी रहती है मामू, कर ली है? ये बीच में कहाँ से आ जाता है वो चीकू, बीच में अपना आ जाएगा, कोको आराम से सोई थी। तो रितु से अभी मैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? तुम काम नहीं कर रहे हो? काम, अरे कॉपी लगा रखी ना, कॉपी हो चुका है, प्रोजेक्ट बना रखा है मैं, अभी डाल रहा हूँ उसमें। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा वो बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी, जिसके पास सबसे ज्यादा गन्ने की रेडियां हैं? हाँ, ऑप्शन मेरे को ज्यादा नहीं पता, बट सलमान खान, शाहरुख खान, जूही चावला, कैटरीना कैफ, और इतने इनके इनके ही है ना, यही है शायद, जो फोटो लगी रहती है ना गन्ने के उसमें रेडियो। तुमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? नहीं समझ नहीं आया, आमिर खान भी होती है। हाँ, आमिर खान की भी होती है। बताओ बताओ। तो ना देखो, सिर्फ यहाँ दिल्ली दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली गाजियाबाद की, बहुत ही ज्यादा है अभी, हर किसी ने घेर रखा है। वरुण धवन, वरुण धवन की भी लगती है ना, वरुण धवन की मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। हाँ, कैटरीना कैफ की सबसे ज्यादा गन्ने की रेडियां दुकाने कह सकते हैं। तो आप लोग भी ना कमेंट करके बताना कि आपके शहर, कस्बे, जिले या गांव या क्या क्या हो रहा है। तो तुम हंस के देते हो, मैं गड़बड़ हो जाता हूँ। तो आप लोग को बताना कि आपके शहर, कस्बे, जिले या गांव में जो भी गन्ने की रेडियां, उसमें कब्जा किसका ज्यादा है, शाहरुख खान का, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जूही चावला, वरुण धवन, और इनमें से अगर कोई एक्स्ट्रा जो नया उन्होंने ऐड कर लिया, मतलब किसी नए ने घेर लिया है उसमें। पहले तो सनी देओल की भी होती थी। हाँ, सनी देओल, अरे वो गन्ने को वैसे निचोड़ लेते थे ना, तो भी ज्यादा मशीन काम ही नहीं आ रही, तो खाली मशीन जो फैक्ट्री वाले थे उन्होंने धरना दिया था, तब जाके भी सनी देओल को हटाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाए नहीं उनको। फिर बताओ, एक अनुमान तो लगाओ। मैं कहती हूँ कैटरीना कैफ। चलो ठीक है, तो आप लोग भी बताना कि आपके शहर में सबसे ज्यादा गन्ने की रेडियो पे फोटो किसकी लगी रहती है। तो मुझे पहले लगता था यार ये लोग उनके, मतलब मैं सोचता कि एड तो कभी आता नहीं गन्ने का जूस इन्होंने वो कर रखा करके, लेकिन हर जगह फोटो लगी रहती है। कैस्पर कहाँ से हो गया देखना, कैस्पर यहाँ नाली में, अगर वहाँ नाली से पाना है। अरे हाँ, अरे यार चैलेंज खत्म हो गया इसका, तो पता ही नहीं हमको, कर लिया ना तूने आखिरकार। चल बढ़िया, अब दूसरा कोई चैलेंज लाना, ठीक है? और वहाँ से नाली आएगी, फिर पानी छोड़ने वाले हैं वहाँ से, तो ध्यान रखना, तू भी बचना और ये प्रेस को भी बचाना यहाँ से। तो रितु का ना एक भाई, आप लोगों ने देखा होगा जो व्लॉग में दिखा था, है ना, व्लॉग में आया था शायद सोनू, तो वो अभी हम लोगों ने फोन करके उसको थोड़ा समझाया था, वो कर रहा है PhD एक्चुअली में। तो जैसे हम लोग YouTube से, हमारा बैकग्राउंड है, तो हमने उसको बोला कि PhD नहीं चलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 4K का जमाना है, वो मान ही नहीं रहा, समझाओगे? अरे तो PhD अभी HD नहीं चलेगी ना, कुछ टाइम अभी तो चल रहा है, कुछ टाइम बाद 4K वो सब चलेगा, तो वो करना चाहिए था। मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना जो अभी अपलोड होगा, तो ओलिवर का ही पूरा सीन है, पूरी वीडियो में ओलिवर, मतलब मैं कहां से ट्रिम करूं यार इसके पार्ट को, सही में ये तो इतना ज्यादा ओलिवर होता है यार वीडियो में। तो एक जगह सीन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो दोबारा जाके करना उसको,
मैं फ्रिज में ना कैस्पर का खाना बना रहा था, तो उसमें जो माइक्रोवेव ओवन था उसमें रिफ्लेक्ट होके ओलिवर दिख रहा था पीछे वहां पर भी दिख रहा है, हर जगह दिखता है। तो बनाना शेक पी के जो भी एनर्जी आई थी उसका यूज यहाँ होने वाला है। अब रितु को तो करेगी वीडियो एडिट, मेरे को ये सब काम करना है पूरा इधर। One hour later. तो किचन हो चुकी है पूरी कंप्लीट क्लीन, बहुत देर लगी लेकिन अच्छे से साफ हो चुका है। शाम हो गई है, वीडियो एडिट नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि बीच में मैंने व्लॉग एडिट करने लग गई थी और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले व्लॉग लाइव हुआ है, अब मुझे वीडियो एडिट करनी है। वैसे तो देखा जाए तो हो गई है, मतलब थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब 95% बोल सकते हैं, 5% रह गई है। यार तुम क्या होता, मैं थक गई हूँ, पता है क्या हो रहा है, बस एक चीज ना रिपीट पे प्रोसेस चल रहा है। मैं एडिट कर रही हूँ, नित्या उठ रही है, नित्या को खिलाओ, नित्या को फिर नित्या के साथ रहो क्योंकि उसके साथ ना रहो तो रो रही है, फिर उसको सुलाओ, फिर एडिट करो, लूप पे चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई चैलेंज वीडियो करें, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ, है ना, अपना खुरापाती दिमाग लगा रहे हैं, कुछ करेंगे। खुरापाती दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, करेंगे करेंगे हम लोग चैलेंज वीडियो। चीकू किसके अंदर बैठा है, लॉन्ड्री बैग के अंदर। चीकू चीक आवाज ही नहीं आई। चीकू जब सुबह वीडियो एडिट करने बैठी थी तो लगा था कि 2 घंटे का काम है, लेकिन रात के 9 बजने वाले हैं। वीडियो तो एडिट हो चुकी है, बस म्यूजिक लिखना बाकी रह गया है, और नवल एक बार देख रहे हैं, उसके बाद मैं म्यूजिक लगा दूंगी। एक बार पहले नित्या को सुलाते, रोने लग गई है। नित्या सो जाना, सो जाना, तेरे को निन्नू क्यों नहीं आ रही है? इसके हाथ में व्लॉगिंग कैमरा, इधर आधर करते रहिए। हाँ यार, सो नहीं रही इतने देर से सुलाने के चक्कर में, मेरे को नींद आ रही। 9 बजने वाले थे तब सुलाने की कोशिश कर रही थी, अभी कितने बज रहे हैं पता नहीं। 10:30 हो रहा है अभी रात के। 1.5 घंटे से सिर्फ सुलाने की कोशिश और कोशिश कर रहे थे, नाकाम हो गई। इसके सुलाने के चक्कर में कितनी बार मेरे को झपकी आ गई इसमें। तो अभी अपना काम करते हैं, मतलब काम क्या करना है, इसको सुलाना है तब जाके फिर सोना है। और अभी तो तब भी मतलब 10:30-11 बजे तक तो सो ही जाएगी ना, 11 बजे तक तो सो ही जाएगी। पहले तो 2-2-3 बजे तक लगता था टाइम। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी लोग का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, हाँ ले, बाय कर दो, बाय कर दो सबको, हाँ कर दिया बाय।